इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो गई है। जानकारी मिल पा रही है कि केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और सीएम केजरीवाल ने 23 मार्च को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की अपील की थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। अब इस पर अभी सुनवाई जारी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो उन्होंने याचिका डाली थी, जो चुनौती दी गई थी, उसी याचिका को लेकर आज जो है एक बार फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जानकारी मिल पा रही है कि एक बार फिर से यहां पर सुनवाई शुरू हो गई है। 23 मार्च को ये याचिका दाखिल की गई थी। ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ ये आज याचिका डाली गई है। तो इस पर अभी सुनवाई चल रही है। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उसके बाद फिलहाल वो ईडी की कस्टडी में है। 28 तारीख यानी कल तक जो है वो ईडी की कस्टडी में है। गिरफ्तारी की ही याचिका चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हो रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल के विरोध में प्रदर्शन किया तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। तो ये दो तस्वीरें आपको देखिए, आप दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने नजर आ रही है। एक तरफ बीजेपी का प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की है जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं। और इन सबसे जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दें, दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है, ये बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल की जेल से चिट्ठियां सामने आने पर सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने सभी चिट्ठियों को फर्जी बताया है और जांच की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये तमाम पत्र फर्जी है, ये तमाम चिट्ठियां फर्जी है और इनकी जांच की जाए। जेल से केजरीवाल की जो चिट्ठी आई है उन चिट्ठियों पर सवाल उठाए गए हैं। ये पुलिस कमिश्नर के पास गए थे, कौन सी शिकायत थी? जिस तरह से शराब घोटाले के अभियुक्त अरविंद केजरीवाल के नाम से पत्र मीडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं और अपने आका का महिमा मंडन किया जा रहा है कि उन्हें दिल्ली की बहुत चिंता है, तो उन पत्रों की सत्यता को लेकर कुछ लोगों के मन में संदेह है, क्योंकि जांच एजेंसी भी खंडन कर चुकी है कि हमारे यहाँ से इस तरह का कोई पत्र नहीं निकला है और कानून की जो परिभाषा है उसके हिसाब से भी वहाँ से पत्र निकलना संभव नहीं है, क्योंकि जिसकी कस्टडी में आरोपी या अभियुक्त होता है उस कस्टडी इंचार्ज को अटैच करना पड़ता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हमने पुलिस कमिश्नर से उस पूरे प्रकरण की जाँच की मांग की है, उन पत्रों की जाँच की मांग की है और जिन्होंने ये पत्र पढ़े हैं उनकी भी जाँच की मांग की है कि अगर वो फर्जी हैं और पढ़ने वाले भी फर्जी हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि ईडी की जो टीम पहुंची थी केजरीवाल के घर पे अभी हाल फिलहाल में, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना था कि केजरीवाल जेल भले जा रहे हैं लेकिन सरकार वहीं से चलाएंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे। क्या उसी का आप प्रोसेस मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से पूरी सरकार चला रहे हैं? मैंने कहा ना कि सरकार तो दिल्ली में काम कर ही नहीं रही थी। अगर दिल्ली में सरकार काम कर रही होती तो इन चार दिनों में अरविंद केजरीवाल को पानी और सीवर की चिंता नहीं होती। अगर दिल्ली में सरकार काम कर रही थी, 8-9 साल में दिल्ली में सिर्फ एक काम हुआ है, लूटने का काम। हाँ, वो लूट खसोट अभी बंद हो गई है, इसलिए वो सारा प्रपंच रचा जा रहा है कि कैसे उसको चालू किया जाए। आप मानते हैं कि ये जो लेटर है उसमें कुछ गड़बड़ी है? हमें जो जानकारी है हमारे हिसाब से वो लेटर भी फर्जी है, आम आदमी पार्टी का चरित्र भी फर्जी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो वहीं इस बीच आपको बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और क्या लिखा ये आपको एक एक करके बताते हैं। उन्होंने लिखा कि आम आदमी पार्टी में अंदरूनी सत्ता संघर्ष चल रहा है। अरविंद चाहते हैं कि उनकी पत्नी सीएम बने, जो उनकी पार्टी के भीतर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अन्य नेता अपना दावा ठोक रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, और ये स्वाभाविक है क्योंकि इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। ये पूरी तरह से सत्ता के भूखे, स्वार्थी और भ्रष्ट राजनेताओं का एक समूह है जिन्होंने दिल्ली वासियों के विश्वास को धोखा दिया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो दोहरी बातें करने में माहिर है वो राजनेताओं के इस समूह का नेतृत्व करता है। तो देखिए, मनोज तिवारी की तरफ से ट्विटर यानी कि एक्स पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला गया है। लेकिन इस बीच